नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का समाचार कैदी में। आसोदा और जसोर खेड़ी में शीला राठी, कपूर राठी व जितेंद्र राठी सहित नफे सिंह राठी परिवार का हुआ भव्य स्वागत। महिलाओं ने शीला राठी को बेटी की तरह किया स्वागत। शीला राठी का गांव में मिल रहा है समर्थन। आपको बता दें कि बहादुरगढ़ विधानसभा से इनेलो बसपा की साझा उम्मीदवार शीला नफे सिंह राठी को गाँव में जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। आसोदा जसोर खेड़ी गाँव में शीला नफे सिंह राठी का महिलाओं ने जोरदार स्वागत किया। भारी संख्या में उपस्थित मातृशक्ति ने शीला नफे सिंह राठी के ऊपर गीत बनाकर, महिलाओं ने नाच गाकर, ट्रैक्टरों पर बिठाकर शीला नफे सिंह राठी का गांव में पहुंचने पर अभिनंदन किया। आपको बता दें कि शीला नफे सिंह राठी का कहना है कि गांव में स्वर्गीय श्री नफे सिंह राठी का बेहद लगाव रहा है। सभी गाँव में स्वर्गीय नफे सिंह राठी ने विकास के सैकड़ों काम करवाए हैं। गाँवों के युवाओं को नौकरी भी लगवाया है। अब स्वर्गीय नफे सिंह राठी के जाने के बाद वह खुद और उनके चारों बेटे बहादुरगढ़ विधानसभा को अपना परिवार मानकर काम कर रहे हैं। शीला राठी ने बहादुरगढ़ से अपनी जीत का दावा भी किया। शीला राठी ने पिछले दिनों बहादुरगढ़ के विकास के लिए अपना घोषणा पत्र भी जारी किया, जिसमें गांव में विकास के लिए 11-11 लाख रुपए की राशि अपने निजी कोष से देने का वादा भी किया। इसके साथ गाँव के हर खेत की सिंचाई के लिए ड्रेन और नई नहर बनाकर पानी पहुँचाने का वादा भी किया। शीला नफे सिंह राठी का कहना है कि मैं उस परिवार से आती हूं जो अपने वादों पर खरा रहते हैं और हर हाल में उन्हें पूरा भी करते हैं। आइए मीडिया से बातचीत करते हुए शीला नफे सिंह राठी ने क्या कहा आपको सुनाते हैं। मैं इससे बड़ा स्वागत कभी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था, क्योंकि चौधरी नफे सिंह राठी इनके बीच में रहते थे, इनके नेता थे। मैंने कभी नहीं सोचा था अब ये जालिम सरकार मेरे सिर से मेरे हस्बैंड का साया छीन के और मुझे ऐसे खड़ा करेगी। लेकिन मेरे दुसेर गेड़ी गांव के लोगों ने ये दिखा दिया और किस आज आप बेटे अकेले नहीं हो, आपके साथ आप हमारा पूरा गांव समर्थन में खड़ा हुआ है। मुद्दे अनेक हैं, सुरक्षा के हैं, सफाई के हैं, रोडों की रिपेयर के हैं, पानी सप्लाई के हैं, बेरोजगारी के हैं, माता और बहनों की सबसे पहले तो सिक्योरिटी के हैं। सुरक्षा सरकार ने दिया क्या है? इस जालिम सरकार ने 10 साल बीजेपी, 5-10 साल कांग्रेस। अगर इस गांव में एक बस होया हो तो मैं अपनी माता और बहनों से पूछ सकती हूँ, आज तक इस गांव में 20 साल से कोई भी नेता आने का किसी ने भी ये नहीं पूछा है अब गांव किस हाल में रहता है।